हेलो दोस्तों, अमेज़न के एलेक्सा को मिलने जा रही है पहले इंडियन सेलिब्रिटी की आवाज। कौन है बताएंगे आगे, साथ में बात करेंगे। सैमसंग एक बार फिर से 23 सितंबर को करने जा रहा है अनपैक्ड इवेंट फॉर फैंस। क्या निकल के आएगा इसमें, आगे वीडियो में बात करेंगे और भी ढेर सारी टेक न्यूज को शामिल करेंगे आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं चैनल पर चल रहा है 5K सब्सक्राइबर वाला गिव अवे, जिसमें कि Redmi Note 9 के साथ में दूसरे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको यानी कार्ड में मिल जाएगा आपको लिंक, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से चाहे आप चेक कर सकते हैं। आते हैं कल वाले पोल पर सबसे पहले, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कवर यूज करते हैं। तो 60% लोगों ने जवाब दिया है कि वो नॉर्मल जो TPU कवर होता है उसको यूज करते हैं। उसके अलावा 16% लोगों ने कहा है कि प्रिंटेड बैक कवर यूज करते हैं। उसके अलावा 7% लोगों ने कहा है कि वो फ्लिप वाला जो फ्लैप वाला होता है कवर उसको यूज करते हैं। और 16% लोगों ने उस जवाब को चुना है जो कि शायद इस पोल का सबसे बेहतरीन जवाब था, कि हमें कोई चोचलेबाजी नहीं पसंद है, जैसा फोन है वैसा ही रखते हैं, यानी कि फोन दिखाओ और मौज मनाओ। 16% लोगों ने उसको चुना है। आते हैं दोस्तों आज के पोल पर। आपको बताना है कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पे अमिताभ बच्चन जी की आवाज को सुनने के लिए। पोल में जवाब देना मत भूलेगा। तो अब आते हैं सबसे पहली न्यूज पर। अमेज़न के एलेक्सा पर मिलने वाली है पहले इंडियन सेलिब्रिटी की आवाज। कोई और नहीं, ये होंगे सदी के महानायक अमित जी, यानी कि अमिताभ बच्चन जी, जो कि आवाज देंगे अमेज़न एलेक्सा को। और आपको अमेज़न की जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस एलेक्सा को सपोर्ट करती है, वहां पर वेदर से लेके ब्रेकिंग न्यूज, उसके अलावा म्यूजिक रिलेटेड जोक्स वगैरह सब कुछ आपको इनकी आवाज में सुनने को मिलेगा। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं। अब आते हैं दूसरी न्यूज पर। ओप्पो ने आज ग्लोबली लॉन्च कर दिया ऑक्सीजन ओएस 11, जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, जिसमें कि आपको एंड्रॉइड 11 के फीचर कस्टमाइज वे में मिल जाएंगे। जैसे कि 3-finger गेस्चर मिलेगा, जो कि आप गूगल लेंस पर यूज कर सकेंगे। जितना पोर्शन आप फिंगर से टिप करके ड्रैग करेंगे, उतने पोर्शन को गूगल लेंस ऑटो ट्रांसलेट कर देगा जो भी आपको लैंग्वेज में चाहिए। उसके अलावा और भी ढेर सारे, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और जैसे फीचर जो एंड्रॉइड 11 के, वो आपको कस्टमाइज वे में मिल जाएंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगली न्यूज है नोकिया के एक और स्मार्टफोन को लेकर। र्यूमर आ रहा है कि 23 सितंबर को नोकिया 7.3 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। वैसे मार्केट में तो 9.3 की चर्चा ज्यादा है, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है लॉन्च के लिए। फिलहाल आपको 7.3 से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। फोन में मिलेगा आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, 4GB 6GB रैम दो वेरियंट मिल जाएंगे। उसके अलावा ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, जिसमें मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। बाकी दोस्तों इंतजार करते हैं 23 तारीख से पहले नोकिया की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। अगली न्यूज है Realme C17 स्मार्टफोन के मेजर स्पेक्स लीक हो गए हैं। जैसे कि इसमें मिलेगा आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट, साथ में 6GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी, 18W की चार्जिंग के साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी डिस्प्ले। साथ में पीछे मिलेगा क्वाड कैमरा, जो कि 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ होगा। सामने डिस्प्ले पे मिलेगा आपको पंच होल में 8 मेगापिक्सल का सेंसर। बाकी दोस्तों इंतजार कीजिए इसके लॉन्चिंग का, फोन कितना बेहतर होने वाला है पिछले अपने फोन से इंतजार रहेगा। अगली न्यूज है सैमसंग एक और अनपैक्ड इवेंट को होस्ट कर रहा है 23 सितंबर को, जहां पर की नाम रखा है अनपैक्ड फॉर एवरी फैन। और जैसे मार्केट में अभी तक चर्चा चल रही थी कि सैमसंग इस इवेंट में करने जाएगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, यानी कि फैन एडिशन को लॉन्च। खबर यह है कि इसमें आपको 4G 5G दो वेरिएंट में फोन मिल सकता है, और साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट और एक्सोनोस 990 चिपसेट, दोनों ही वेरिएंट आपको अलग अलग फोन वर्जन में मिल सकते हैं। एग्जैक्ट दोस्तों प्राइस को लेकर भी कोई चर्चा नहीं है। 4500mAh तक की बैटरी आपको मिल सकती है, और अनपैक की जो डिजाइन है लोगो, उसमें दो कलर आपको ब्लू और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि शायद ये दो कलर आपको एडिशन में मिल सकते हैं। बाकी इंतजार कीजिए 23 सितंबर तक का। अगली न्यूज है प्रोसेसर के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनी ARM, यानी कि ARM को लेके खबर आ रही है दोस्तों। दो दिन से जो कि गर्मा गर्म है, बीच में सैटरडे आ गया, संडे आ गया, उसकी वजह से टेक
न्यूज तो आ नहीं पाई, लेकिन खबर मार्केट में बहुत गर्म है कि निविदिया करने जा रहा है इस आर्म कंपनी को एक्वायर, और डील होने वाली है $40 बिलियन में। दोस्तों अगर ये डील होती है तो निविदिया का कद जो है वो दोस्तों चिपसेट मार्केट में काफी बढ़ जाएगा, और बाकी तो अपने राइवल्स हैं दोस्तों उनको कड़ी टक्कर दे सकती है। बाकी अभी डील फाइनल कंप्लीटली होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगली न्यूज भी दोस्तों चिपसेट से रिलेटेड है। अगर हाल में हम बात करें क्वालकॉम के फ्लैगशिप चिपसेट की तो 865 आपकी जुबान पे आएगा। इसका अगला फ्लैगशिप वर्जन दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 हो सकता है, जो कि मार्केट में खबर चल रही है, और इस चिपसेट को बनाने के लिए सैमसंग को मौका मिलने वाला है TSMC की जगह, यानी कि सैमसंग इस चिपसेट को बनाने के लिए और भी सस्ते प्राइसेस में डील कर सकता है। बाकी दोस्तों क्वालकॉम के अगले आने वाले फ्लैगशिप चिपसेट के बारे में यह खबर है कि वो 2021 की शुरुआत तक मार्केट में आ सकता है फ्लैगशिप फोन्स के लिए। इंतजार करते हैं दोस्तों और भी डिटेल आने का। अगली न्यूज है Realme Narzo 20 सीरीज, जो कि IFA 20 में अनवील की थी कंपनी ने, इंडिया में फाइनली लॉन्च होने वाली है 21 सितंबर को। कंपनी ने खुद टीज कर दिया है इसके बारे में। 3 फोन लॉन्च होंगे जिसमें कि क्वाड कैमरे से लेकर ट्रिपल लेयर कैमरा तक मिलने वाला है। Narzo 20, Narzo 20A, Narzo 20 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे दोस्तों। इसके बारे में अलग से डिटेल में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अगली न्यूज है टेक्नो स्पार्क पावर 2 का अगला स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क पावर 2 एयर आज इंडिया में लॉन्च हो गया। 20 सितंबर से सेल पे जा रहा है फ्लिपकार्ट पे। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, फोन की प्राइस 8,499 रुपए रखे हैं। मीडियाटेक हीलियो P22 पुराने फोन में था, इसमें A22 को कंपनी ने यूज किया है। बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है दोस्तों, यानी कि प्रोसेसर में बाकी कंपनियों के मुकाबले डिस्प्ले के हिसाब से तो यह बड़ा हो सकता है, बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो अभी भी ये वही है। प्रोसेसर में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। अगर जी सीरीज का चिपसेट कोई कंपनी यूज कर लेती मीडियाटेक का तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता था। अगली न्यूज है विवो स्मार्ट वॉच फाइनली लॉन्च होने वाली है। डेटा के सामने 22 सितंबर को है इसका लॉन्चिंग इवेंट। इस वॉच के बारे में काफी र्यूमर चल रहा था। सर्कुलर डायल में ये आने वाली है, 42mm और 46mm डायल साइजेस में, साथ में 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और आपके ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसे सब कुछ फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं। प्राइस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, 10,000 के अंदर अंदर ये रहने वाली है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में ये कब तक आखिर आती है। और आज की लास्ट खबर है गूगल सबरीना को लेके। मार्केट में रूमर आ रहा है कि ये इस नाम से नहीं बल्कि गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी के नाम से लॉन्च की जा सकती है। वैसे दोस्तों रूमर तो रूमर होते हैं, सच्चाई क्या है आने वाले दिनों में जब तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कुछ ना कहा जाए तब तक उसे सच नहीं मान सकते। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में तो इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज आपको आने वाली वीडियोज में लाते रहेंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, जुड़े रही मेरे चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।